अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मुल्तान कैंट रेलवे स्टेशन से आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, आज है 1 जून 2023 और पाकिस्तान रेलवे के ऐलान के मुताबिक आज मुल्तान से कराची के दरमियान चलने वाली बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस रिस्टोर हो रही है। पिछले साल सैलाब के दिनों में जहां बाकी दूसरी ट्रेनें बंद हुई थी तो ये ट्रेन भी बंद हो गई थी, तो आज इसकी रिस्टोरेशन है। तो उसको कवर करने के लिए मैं आया हूं रावलपिंडी से। आज सुबह मेहर एक्सप्रेस के ज़रिए पहुंचा हूं मुल्तान। रंग बिरंगे अखबारों से सजाया हुआ है लोकोमोटिव आज। आज लोको पायलट भी लेकर जाएंगे 90-12 को। ज़िक्रिया एक्सप्रेस का रेक जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे लग रहा है। तीन क्लासेस हैं इसमें, इकोनॉमी क्लास, एसी स्टैंडर्ड और एसी बिजनेस। ये है जी एसी स्टैंडर्ड कोच बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस। अंदर से देखें इकोनॉमी क्लास बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस। हमारे हरूसी डी एस अब आ रहे हैं इफ्तिताह करने के लिए, दुआ करने के लिए, और नेक तमन्नाओं और दुआओं से रुख्सत करेंगे 26 डाउन ज़िक्रिया एक्सप्रेस को। जोशो खरोश अरूज पर मुसाफरों का भी और रेल फैंस का भी। माशाल्लाह विलागर हजरात फोटोशूट कर रहे हैं इस वक्त लोकोमोटिव के साथ। सुफियान भाई अंदर जा रहे हैं कैब में, नईम भाई महल अंदर से हो आए हैं। मौसम बहुत अच्छा, खुशगवार हवा चल रही है। पाकिस्तान का झंडा भी लगाया हुआ है, रंग बिरंगी पत्तियां फूल। 90-12 पाकिस्तान रेलवे, कलरफुल बैलून्स। और आज मैंने सफर भी कर रहे हैं इस पर भावलपुर तक। कोच नंबर 8, सीट नंबर 70। सबसे आगे पावर वैन है और उसके पीछे हैं एसी स्टैंडर्ड्स की कोचेस। 3 एसी स्टैंडर्ड की कोचेस हैं और उसके पीछे है बिजनेस क्लास, वो भी काउंट करते हैं कितनी है। एसी स्टैंडर्ड के बाद ये आ गई सजी सजाई एसी बिजनेस। दूसरी कोच आ गई, बिजनेस क्लास की कोचेज हैं। और फिर उसके बाद ये है डाइनिंग कार, इसको भी अंदर क्लास की कोच, 6 पैसेंजर कंपार्टमेंट, 6 बर्थ, 6 ही सीटें, सेंटर टेबल और नीचे लाइट्स और फैन के लिए ऑन ऑफ बटन, चार्जिंग पॉइंट नहीं है ये सामान रखने के लिए जगह, और इस तरफ जो है सिंगल सीट।
काफी साफ सुथरी है, पहला दिन है आज। तो हमारी ट्रेन भी पूरे 4 बजे निकल पड़ी है मुल्तान से, और आज का सफर होगा भावलपुर तक। ढोल की थाप पर रुखसत हुई है जी जकरिया एक्सप्रेस। तकरीबन 1.5 घंटे का सफर होगा आज हमारा ये मुल्तान से भावलपुर तक का, और बहुद्दीन जकरिया एक्सप्रेस में मेरा पहला सफर। रेलवे यार्ड से बमुश्किल निकली है और एकदम अचानक से ब्रेक लगी है, अल्लाह खैर करे। तकरीबन 15 मिनट इधर रुकी रही है गाड़ी जस्ट आफ्टर लीविंग दी प्लेटफॉर्म, तो कोई अभी पता नहीं चला कि क्या वजह बनी है। शुजाबाद आ गए जी, पूरे 10 मिनट रुकने के बाद शुजाबाद से आगे बढ़ गई है गाड़ी। न जाने क्यों इतना लंबा स्टॉप किया, 2 मिनट का बनता है इधर, डेढ़ स्टॉप 2 मिनट का। जरीफ शहीद पहुंच गई है गाड़ी, प्लेटफॉर्म नाम की कोई चीज नहीं है, यहीं से मुसाफिर चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं। ये देखें इतनी ज्यादा हाइट से असर की अजानें भी शुरू हो गई। यहाँ पर भी 5 मिनट से ज्यादा ट्रेन रुकी है, वो इसलिए कि पहला रन है आज इसका, तो इस्तकबाल हो रहा है, फूलों के हार पहनाए जा रहे हैं लोको पायलट को और हमले को, इस्तकबाल हो रहा है हर स्टेशन पर। अभी 2 स्टेशन पर तो है, और यहाँ भी ये देखें ढोल बाज रहा है। एक्सप्रेस वगैरह वगैरह इस तरफ से आती है। व
और ये मोस्ट लेफ्ट साइड पर जो देख रहे हैं ये बाग पतन की तरफ से आ रही है, जो बाबा फरीद एक्सप्रेस इस रूट से आती है, कसूर से लाहौर से चलती है, फिर कसूर जाती है और कसूर से फिर बाग पतन से होकर रामदोद्रा जंक्शन पर मेन लाइन 1 से मिल जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह नेटवर्क तो बहुत बड़ा है, इसको एक्सपेंड करने की ज़रूरत है और मज़ीद ट्रेनें जो है ना वो चलाने की ज़रूरत है, लेकिन उसके ऊपर कोई खास तो नहीं है यार। कोई जो पुरानी ट्रेनें चल रही थी वही अभी तक बहाल नहीं हो सकी पूरी तरह। खुशहाल खान खटक बंद है, अवाम एक्सप्रेस बंद है, सर सैद एक्सप्रेस बंद है, और भी काफ़ी जो छोटे शहरों में ब्रांच लाइनों पर चलने वाली ट्रेन हैं वो बंद है। लोधरा जंक्शन पे अराइवल का नज़ारा करें, उम्मीद है यहाँ पर भी ढोल धमाका हो रहा होगा। ये देखें जी हाल, कितनी आवाम है, कितने पैसेंजर हैं, और पिछले 9 महीनों से ये ट्रेन बंद की है। इधर भी ढोल बज रहा था जी। अगला स्टेशन जी बावलपुर, और मेरा सफर इंशाल्लाह बावलपुर में कंप्लीट होगा। 26 डाउन बावली सिप्रिया एक्सप्रेस को। यहाँ पर भी काफी रश लगा हुआ मुसाफिरों का, खूबसूरत बिल्डिंग बावलपुर रेलवे स्टेशन की। चलिए जब डिपार्चर देखते हैं इसका। इस्तकबाल हो रहा है जी रेलवे के ऑफिसर्स का, ढोल की थाप पर। जी दोस्तों सफर खत्म हो गया, अब इसको रुख्सत करें 9/12 GU40 को बाबुद्दीन ज़करिया एक्सप्रेस के साथ कराची की जानिब। और आपने देखा कि कितना रश था मुसाफरों का शुजाबाद में, और ये बावलपुर, कितने लोग हैं इस ट्रेन पर सफर करने वाले, और तकरीबन पिछले 8-9 महीनों से ये बंद पड़ी थी। बावरपुर से रवाना जी ट्रेन, भाई की वीडियो में मैं आ गया आऊंगा। अल्लाह ताला खैर खैरियत से सब लोगों को मंजिले मकसूद पर पहुंचाए और पाकिस्तान रेलवे को तरक्कियां अता फरमाए। ट्रेन के डिपार्चर के बाद हम बातचीत करेंगे मुल्क के नामवर रेलवे मिस्टर मलक फहीम साहिब से, और मैं बेहद मशहूर हूँ उनका तो उन्होंने हमें टाइम दिया करने की।
ट्रेन तो रवाना हो गई है GU40। अभी हमारे साथ हैं मुल्क के नामवर रेल फैन और हमारे उस्ताद मुकर्रम मिस्टर फहीम साहब। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। सर बताइएगा आज के बारे में कैसा एक्सपीरियंस? यार आज पर्सनली मैंने तो बहुत इंजॉय किया बाकी रेल फैंस के साथ, और बहुत अच्छा दिन भी है, मौसम भी बहुत अच्छा है। इसके अलावा थोड़ा सा रिफर्बिश रैक था आज जिक्री एक्सप्रेस का। खुशी इस बात की है कि तकरीबन 9 माह की बंदिश के बाद ट्रेन जो है वो बहाल हुई, और साउथ पंजाब की ट्रेन है और ये सर्विस बहुत पहले जो है वो मुहैया की जानी चाहिए थी साउथ पंजाब की आवाम को, पर खैर देर आए दुरुस्त आए, ट्रेन चल पड़ी है आज पहले दिन और अपने जो मंजिल है उसकी तरफ रवाना हुआ है। तो हम खुश हैं बहुत ज्यादा। सर आवाम एक्सप्रेस के बारे में क्या ख्याल है? और सर सैयद एक्सप्रेस? जी मैं तो चाहता हूँ सब ट्रेन चलें जो कभी हम बचपन में देखते थे, जिनके नाम काफी लोगों ने अभी सिर्फ सुने हैं, हमने सफर भी किया हुआ है, तो वो भी चलनी चाहिए। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि जो पैसेंजर ट्रेन है जब वो रवाना रहेगी तो लोगों के दिलों में जो रेल है वो जिंदा रहेगी, तो सब ट्रेन चलनी चाहिए। जबरदस्त, शुक्रिया बहुत बहुत सर, थैंक यू।